एग्जाम का समय एक छात्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। अपने एग्जाम में वह बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आना चाहता है और कुछ छोटी छोटी बातों को हम ध्यान नहीं देते हैं जिनकी वजह से हमारा पेपर हमारे अनुसार नहीं जा पाता और उसका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे रिजल्ट में हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक जिम्मेदार स्टूडेंट होने के नाते, एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आपको अपने एग्जाम सेंटर पर समय से, जो भी आपको रिपोर्टिंग टाइम बताया गया है, उस समय से आधे घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करें। अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे का है, 10 बजे मॉर्निंग का आपका रिपोर्टिंग टाइम है, तो आपको अपने सेंटर पर हर हाल में 9:30 बजे तक, 9:30 AM तक आपको पहुंच जाना है। ऐसा इसलिए कि जब आप पहुंचेंगे तो आपकी लिस्ट वहां पर नाम की लगी रहेगी। एडमिट कार्ड से अपने नाम, अपने रोल नंबर, अपने रूम नंबर को मैच कराएं और जा करके जैसे ही आपके सेंटर का गेट ओपन हो, आप जा करके अपनी सीट पर, बताई हुई सीट पर, लिखी हुई सीट पर जा करके पहुंचें, क्योंकि जब आप जल्दबाजी में नहीं रहेंगे तो अपने पेपर को आप शांत दिमाग से बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, लेकिन जब आप जल्दी जल्दी में जाएंगे तो आपका ध्यान बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा और आप चीजों को हड़बड़ाहट में करने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां अपने पेपर में करने वाले हैं। अगली जो गलती छात्र करते हैं वो यह है, पेपर को ध्यान से न पढ़ना। दोस्तों, आपको 15 मिनट एग्जाम शुरू होने से पहले आपको इसीलिए दिया जाता है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ करके पूरे की पूरी स्ट्रेटजी कि अगले 3 घंटे के अंदर अपने पेपर में आप कैसे स्टार्ट करोगे, कौन से क्वेश्चन को करोगे, कैसे आंसर्स को लिखोगे, ये सारी स्ट्रेटजी आप प्लान कर लेते हो। तो इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है कि अपने पेपर को आप बहुत सही तरीके से पढ़ोगे। जब आप अपने पेपर के एक एक सवाल को पढ़ोगे तो आपकी गलती एग्जामिनेशन में ना के बराबर होने की गुंजाइश होती है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वह है कॉपी में दी हुई डिटेल बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ें, बहुत ध्यान पूर्वक भरें। दोस्तों, करना यह है कि जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं आपकी नोटबुक में, आपके पेपर में, और साथ ही साथ आप जो डिटेल भरते हैं, रोल नंबर, स्कूल कोड, सेंटर कोड, ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से भरनी है, क्योंकि अगर आप इसमें गलती करेंगे तो आपके बोर्ड की कॉपी की चेकिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी और हो सकता हो कि आपकी कॉपी आपकी डिटेल से मैच ना करे और आपके रिजल्ट पब्लिश होने में भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़े। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको अपनी जो डिटेल्स हैं बहुत सही तरीके से, बहुत ध्यान से और बहुत आराम से भरने की जरूरत है। अब बात आती है कि एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले बहुत ज्यादा आपको बहुत कड़ी मेहनत नहीं करनी। इसका मतलब यह है कि आपको रात रात जग करके नहीं पढ़ना है, नॉर्मल आप चाहें तो पढ़ें, और अगर आप पूरी तरह से अपने आप को तैयार महसूस कर रहे हैं तो आप चाहें तो रेस्ट भी ले सकते हैं एग्जाम के 1 से 2 दिन पहले। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप पढ़िए। ये नहीं कि कल आपका एग्जाम है और आज की पूरी रात आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको फ्रेशनेस की जरूरत होगी। आप एक फ्रेश माइंड से जब पेपर देंगे तो वह पेपर आपका बहुत बेहतरीन जाएगा, बजाय इसके कि आप ढेर सारा स्ट्रेस लेकर थके हुए जाकर पेपर दें, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला। अगली बात ध्यान रखें पेपर के समय, अब आपका पेपर आने वाला है, बहुत ही ज्यादा आप लोग पेपर दे भी रहे होंगे, तो नए क्वेश्चंस को पढ़िएगा मत, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम समय बचा है, नए क्वेश्चंस नहीं पढ़ने चाहिए। उसका कारण यह है कि अगर आप नए नए सवालों को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा ये बात चलेगी कि आपकी चीजें तैयार नहीं है, आप इन चीजों को कर नहीं पाएंगे। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप ये गलती ना करें। अगली बात ध्यान रखें कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में हो अपने सेंटर पर, तो आप अपने आसपास के छात्रों को एग्जाम सीट से, मतलब जहां आपको बैठना है अलॉटेड सीट से, बैठने से पहले उन पर एक नजर जरूर डालें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ छात्र, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, शरारती तत्व होते हैं, जो कई बार चीट, कोई ब्लैंक पेपर, ऐसी चीजें लेकर के बैठे होते हैं, और जैसे ही अगर मान लीजिए बोर्ड की ऑफिशियल चेकिंग करने के लिए आते हैं तो वो अपने सीट का पेपर, ब्लैंक सीट, बगल वाले की तरफ उछाल करके फेंक देते हैं ताकि बगल वाला फंस जाए और उन पर कोई भी आंच ना आए। तो ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना है। जहां पर आप बैठे उस बेंच के आगे पीछे नीचे ऊपर सब जगह एक बार देख लें कि कोई भी संदिग्ध मटेरियल आपको वहां पर ना मिले। इसका मतलब कि सस्पिशियस कोई मटेरियल वहां पर नहीं पाया जाना चाहिए जो बोर्ड की गाइडलाइंस के सख्त खिलाफ है। अगर ऐसा होगा तो हो सकता हो आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए और आप बोर्ड परीक्षा फ्यूचर में देने के लिए इलिजिबल ना हो पाए। तो ये चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है
कि आप जब एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो हमेशा अपने पास रिसोर्सेस बहुत सही तरीके से रखें। जैसे कि आपके पास 2 से 3 पेन होनी चाहिए। अगर आप ब्लैक ब्लू पेन का यूज करते हैं तो 2 ब्लैक 2 ब्लू कम से कम आपके पास होनी चाहिए, कि मान लीजिए कि अगर आपकी कोई पेन उसमें से नहीं चली तो आप दूसरे पेन का यूज करते हुए अपने पेपर को आप अटेम्प्ट करें, बजाय इसके कि आप बगल वाले से पेन मांगने के चक्कर में डिसमिस हो जाए, आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए बात करने पर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास खुद रिसोर्स होने चाहिए, आपका पेपर है तो आपकी तैयारी होनी चाहिए, उसमें दूसरे कोई भी मदद आपकी नहीं करने वाला। अगली बात ध्यान रखें, एग्जाम का टाइम जो होता है, एग्जाम का पेपर जो होता है, उसमें हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम नई से नई महंगी से महंगी पेन ले जाएंगे। लेकिन मेरा सजेशन आपको यह है कि आप जिस पेन से लिखते थे उसी ओल्ड पेन को ही लेकर के जाएं, और अगर आप पेन लेते भी हैं तो सेम कंपनी की जो भी आप पेन यूज करते आ रहे थे थ्रू आउट द ईयर उसी पेन को यूज करिए। नई पेन से हमें कहीं ना कहीं इतना सेटलमेंट करने में समय लगता है और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम नई पेन पर सेटलमेंट बनाएं। तो आप उसी पेन से लिखा करें जिससे आपकी आदत बन चुकी है, उस पेन का ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करें, इसके अलावा आपको कोई भी अदर पेन नहीं लेनी है। अगली बात ध्यान रखें कि जब आप अपने पेपर को खत्म कर रहे हो तो अपने पेपर को एक बार चेक करने से, मतलब आपको सबमिट करने से पहले इस बात को देखना है कि सारी डिटेल्स सारे क्वेश्चंस आपने सब भरे हैं या नहीं। कोई भी चीज, रोल नंबर, सेंटर कोड, आपका अगर नेम उसमें दिया गया है तो नेम, आपके जो रोल नंबर इन वर्ड्स, रोल नंबर इन डिजिट्स, ये सारी डिटेल्स जरूर एक बार सबमिट करने से पहले चेक कर लें। और लास्ट और अंतिम टिप ये है कि जब अपनी कॉपी को आप सबमिट कर रहे हैं तो आप अपनी कॉपी को बिना टीचर को दिए क्लास से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि हो सकता हो कि अगर आप क्लास से बाहर निकल गए और आपकी कॉपी इधर उधर कहीं गिर गई आपाधाबी में, तो हो सकता हो कि आपकी कॉपी सबमिट ना हो और आप एब्सेंट मान लिए जाएं। तो इसलिए जब तक बोर्ड परीक्षा में कक्ष निरीक्षक आपको इन्विजिलेटर बाहर ना भेजे तब तक आपको बाहर निकलने का प्रयास नहीं करना है। अपनी कॉपी को अपने हाथों से अपने इन्विजिलेटर को देना है, उसके बाद अपने एग्जाम से आपको एग्जिट करना है। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको बोर्ड की परीक्षा में किन किन बातों का बहुत ध्यान रखना है, इन बातों अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत आसानी के साथ, बहुत ही सरलता के साथ अपने बोर्ड एग्जाम को आप दे पाएंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर मैं पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।